हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 20C क्लास 8 आरएस अग्रवाल में. एंड द टॉपिक इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. इससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन नंबर 18 एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. क्वेश्चन 19 इज 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. 3 क्यूब्स हैं जिसमें पहले क्यूब की 6 साइड्स दे रखी है, दूसरे की 8 और थर्ड की 10 सेंटीमीटर. आर मेल्ट एंड फॉर्म इनटू अ सिंगल क्यूब. इन तीनों को मेल्ट करा, आयरन के क्यूब को, और फिर उस सबसे हमने एक बड़ा क्यूब बनाया. ओके, तो द एज ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म इज, जो न्यू क्यूब मिला है उसकी एज. तो होता क्या है, रीकास्ट की प्रॉब्लम कहलाती है, मतलब मेल्ट करके दूसरा हमें सॉलिड्स बनाना. तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेल्ट से पहले जितने भी सॉलिड्स थे उन सब का वॉल्यूम होता है मेल्ट के बाद जो भी सॉलिड बनना. तो मेल्ट के बाद एक बड़ा क्यूब बनना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड्स क्यूब. तो जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड्स का क्यूब, यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल. और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब. पहले क्यूब का वॉल्यूम होगा 6, तो 6 का क्यूब प्लस सेकेंड वॉल्यूम क्यूब की साइड दे रखी है 8, तो इसका वॉल्यूम होगा 8 का क्यूब. और थर्ड की साइड दे रखी है 10, तो 10 का क्यूब. 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होगा 64 इंटू 8 ये बैठेगा 512, और 10 का क्यूब 1000. ओके, तो इनको ऐड कर ले हम, 6 और 2 8, 112, 5 और 2 7 और 1728, ये स्क्वायर होता, इस क्यूब होता है 12 का. ये 12 के हमने आपको बताया था कि 50 तक के आप स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद हो तो इजी हो जाते सवाल, वरना हम प्राइम फैक्टर करके क्यूब रूट निकालते. इसका क्यूब रूट लें तो साइड्स आ गई, तो साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. 5 इक्वल क्यूब. अब उसमें 5 क्यूब है, इक्वल है. ईच ऑफ साइज एज इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ ईच क्यूब क्या दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर. आर प्लेस एडजेंट टू ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म क्यूबॉइड सो फॉर्म. तो इस तरह जो क्यूबॉइड मिलेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो क्या मतलब है, हमने 5 क्यूब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों को पास पास रख दिया, जिसकी साइड दे रखी 5. तो देखो ये तो विड्थ तो सबकी सेम रही 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी सेम रही 5. लेकिन इस क्यूब की ये 5, इस क्यूब की 5, इस क्यूब भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. तो ये मिलकर एक क्यूबॉइड बन गया, जिसकी विड्थ वही रहेगी. विड्थ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी रहेगी सेम 5 सेंटीमीटर. लेकिन इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ कितनी हो गई, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर. तो लेंथ आ गई इसकी 25 सेंटीमीटर. तो ये क्यूबॉइड हो गया. इसका पूछा था 20, वॉल्यूम पूछा है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम हो गया एल इंटू वी इंटू एच, लेंथ इंटू विथ इंटू एच. 625 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ गया ना, 5 क्यूब को पास पास रखा, इससे क्या होगा, देखो चौड़ाई तो उसकी भी रही, हाइट भी रही, केवल लेंथ चेंज होगी. और लेंथ कितनी होगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25, विड्थ वही 5, और ये मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, हाँ एच हाइट, विथ 5 और हाइट भी 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम होता है एल इंटू वी इंटू एच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. अ सर्कुलर वेल विथ अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर. एक कुआ खोद रहे हैं जिसकी डायमीटर दे रखी है हमें 2 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 1 मीटर. इज डग टू अ डेप्थ 14 मीटर, कितनी गहराई तक खोदा गया है, 14 मीटर तक. वाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जो मिट्टी निकली बाहर से उसका वॉल्यूम पूछा है. तो क्या होगा, वेल से खोदा है तो वेल के अंदर से जो शेप होती है उसी शेप में मिट्टी निकलेगी, वो क्या होती है, सिलेंडर. तो यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है.
तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और ये लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो लिख दो सीधे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस बंदे रखी है तो 1 × 1 और एच दे रखा है 14, 7 बन जा 7 × 2 = 22 × 2 = 44 मीटर में है, तो क्यूबिक मीटर इतना वॉल्यूम हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज 1848 क्यूबिक मीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर दे रखा है यानी कि 2R, वो दे रखा है 14 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 7 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की डेप्थ पूछी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दे रखा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कैपेसिटी ये हुई, और ये हमें दे रखी है 1848 क्यूबिक मीटर, हाइट पूछनी है, आर मालूम है, निकाल दो वैल्यू, पुट कर दो बस, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 1848, तो इससे जी मैंने कुछ गड़बड़ करा, हाँ आर की वैल्यू पुट करना भूल गया, चलिए नेक्स्ट नीचे कर देंगे, तो ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच 1848, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो हाइट कितनी हो गई 1848, नहीं दिख रहा, अपॉन 22 भी नीचे आएगा और 7 भी, 22 इंटू 7 11 से कैंसिल करते हैं जी क्या होगा 1 4 5 और 8 8 16 16 में से 5 हाँ हो जाएगा 11 से 11 2 = 22 11 बन जाए 11 7 बचा 7 4 74 11 6 = 66 8 11 8 = अब 2 से कैंसिल कर दें 2 8 = 16 2 4 = 7 से करते हैं 7 1 = 7 1 = 7 2 = तो हाइट आ गई इसकी 12 मीटर हाइट से मतलब डेप्थ पूछिए तो डेप्थ हाइट एक ही चीज होती है ना तो डेप्थ ऑफ वेल विल बी 12 मीटर जो कि ऑप्शन बी में गिविन है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 23 एंड द क्वेश्चन 23 इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया हमें टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस का कर्व सरफेस एरिया इसका रेशियो फाइंड करना है कहां गया भाई ऑफ सिलेंडर हूज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर रेडियस हमें यहां दे रखी है 20 सेंटीमीटर और उस सिलेंडर की हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर हाइट इज 60 सेंटीमीटर तो सिंपल है TSA क्या होता है 2πRH+R और CSA क्या होता है 2πR सेम सिलेंडर है 2πR से 2πR कैंसिल ये तो तुरंत ही हो गया H+R कितना है 60 + 20 अपॉन में क्या है 1 तो 80/1 यानी कि 80:1 कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है देखते हम द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हूज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर रेडियस 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट 60 सेंटीमीटर हाँ कुछ गड़बड़ क्या ये इसमें एच लिखना बोले 2πRH होता है ना CSA 2πRH तो H की वैल्यू पुट कर दो H है 60 तो 80/60 जीरो से जीरो कैंसिल 2 4 = 2 3 = तो आंसर हो गया 4:3 जो कि ऑप्शन सी में गिवन है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन 24 इज द नंबर ऑफ कॉइंस ईच ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कॉइन दे रखी है 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस अब कॉइन क्या होता है देखा छोटा सा कॉइन होता है तो थिकनेस यानी कि ये सिलेंडर की शेप होती है कॉइन को लोग स्पेस हम पूछते हैं स्टूडेंट से बताते हैं सर्किल सर्किल नहीं होता है सिलेंडर की होती है शेप जिसमें थिकनेस छोटी सी होती है और वो थिकनेस दे रखी है हमें थिकनेस से मतलब हाइट थिकनेस ऑफ कॉइन यानी कि सिलेंडर है छोटा सा उसकी हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर आर भी मालूम है एच भी मालूम है ना अब देखते हैं पूछा क्या है टू मेल्ट इसको मेल्ट करा और मेल्ट करके बनाया टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर ही बनाया
टॉप हाइट 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। कुछ गलत पड़ गया सवाल, कुछ दोबारा पढ़ू। द नंबर ऑफ कॉइन्स, हाँ नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर टू बी मेल्टेड टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाँ ये सवाल है, उल्टा पड़ गया। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस में कैपिटल आर मान ले रहा हूँ, जो बाद में दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसी की हाइट मैंने कैपिटल एच मान ली और वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कराए, इसको मेल्ट करके इतनी रेडियस और इतनी थिकनेस यानी कि इतनी हाइट के कॉइन बनाए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, दोनों की शेप कैसी, दोनों के सिलेंडर, नंबर ऑफ कॉइन्स जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 8 × 8 × h3, डिवाइड क्या करते हैं जो हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कॉइन्स, तो एक कॉइन का वॉल्यूम ये भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस यहाँ कितनी है 0.75 × 0.75 और एच है 0.2, पाई से पाई कैंसिल। पहले तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, डेसिमल का किस्सा खत्म करें, नहीं थोड़ा गड़बड़ होती है, टू प्लेस के बाद है तो 2 जीरो ही आएंगे, 2 प्लेस के बाद 2 जीरो ये और 1 प्लेस के बाद 1 जीरो ये, ये हो गया 75 × 75 × 2, बस समझ में आई नहीं, 2 प्लेस का डेसिमल था, रिमूव करके 2 जीरो बढ़ा लिए, ये पहले के, ये दूसरे का, इस 2 के। अब चलो इन्हीं को काट पीट करते हैं, 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100 और 3 जीरो 1 2 3, 2 से काट देना, 2 बन जा, 2 से ये 2000 बाद, ऊपर स्पेस कम है, दोबारा लिख लेता हूँ, क्या होता है कैलकुलेट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, और ये कितना है कुछ रह गया, हाँ 3 रह गया और 2000, नीचे क्या बचा 75 × 3 है ना, ये तो बचा बस 75 × 3, ध्यान नहीं करा, 3 से 3 ये कैंसिल हुआ सीधा। अब 75 से फिर कैंसिल करा, मामला गड़बड़ हो गया, पॉइंट में आ गया आंसर, 25 से कैंसिल करा, 25 × 8 = 200 और 0, ये तो कहीं मिस्टेक कर दी सवाल में, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर रेडियस हमें दे रखी है 8 × 8, एच दे रखा है 3 और यहाँ 0.75 डायमीटर तो नहीं था, रेडियस ये 0.75 × 0.7 ×, ओके चलिए, तो ये कितना हो गया कैलकुलेट करते हैं, ये तो कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब पॉइंट में आ गया, पॉइंट पे तो कोई आंसर ही नहीं है, कॉइन्स तो कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, चेक करते हैं दोबारा से, सवाल पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कॉइन्स 0.75 सेंटीमीटर ठीक है, एंड द थिकनेस यानी कि हाइट हो गई ठीक है एकदम, टू बी मेल्ट टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट 8, ओहो ये उल्टा लिख दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस 3, ये 3 सेंटीमीटर है, ये उल्टा तभी गड़बड़ हो रहा है, तो चलिए काट दें, से तो गलत हो गया सब कैलकुलेशन, डिजिट ही गलत लिख दी, हाइट की जो हमने रेडियस लिख दी थी, हाइट दे रखी है 8 और रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, तभी एक्यूरेट नहीं आ रहा था, नंबर ऑफ कॉइन्स होगा वही, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब रेडियस 3 दे रखी है ना, तो 3 × 3 × h की वैल्यू 8 अपॉन पाई, कॉइन्स की जो है थिकनेस वो 0.2 और रेडियस है 0.75, तो होता था वही है 0.75 × 0.75 × 0.2, पाई से तो पाई कैंसिल। अब पहले हम डेसिमल को ही रिमूव करते हैं, देखो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ, 2 डेसिमल प्लेस 4 हो गए 15, तो 50 डालो 1 2 3 4 5, ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से, और डेसिमल हो गए रिमूव, अब कैंसिल करें 25 से, 25 × 3 = 25 से 4 100 कट गया, 25 × 4 = 100, 3 0 1 2 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 बन जा, 2 से ये 2000 बार, फिर 25 × 3 = 25 × 8 = 200 और ये 0 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब नीचे क्वेश्चन बचा, आप देखो एक्यूरेट आ गया, 8 × 8 कितने होते हैं 64 × 8 = 0, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हुए 640, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके ये समझ में आ गई ना, हमने यहाँ उल्टा लिख दिया था, रेडियस को 8 लिखते हैं जो कि रेडियस 3 है, हाइट 8 सेंटीमीटर, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एंड द क्वेश्चन 25 इज
66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इन टू ए वायर। इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्वर है, इसका हमने एक वायर बनाया। वायर की शेप हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वायर की शेप होती है सिलेंडर की, जिसका डायमीटर, जो वायर है उसका डायमीटर दे रखा है 1 mm। तो 2R = 1 mm, ये सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होता है 1/10 meter सेंटीमीटर के। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 1 2 से डिवाइड करेंगे 1/20, ये रेडियस हो गई। तो जो वायर का वॉल्यूम है किसके इक्वल होगा, 66। लेंथ मान ली हमने, मान लो एल है, और वायर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह एल आ जाएगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह लगेगा 1/20, इसका स्क्वायर है, तो 1/20 × 1/20 × L लेंथ, और ये किसके इक्वल है, टोटल आयरन के, आयरन 66। तो बस हो गया, लेंथ कितनी हो गई, 66 × 7 × 20 × 20 अपन में आएगा 22 बन जा 22 3 जा, तो लेंथ आ गई क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 7 जा 84 और 2 0, इतने सेंटीमीटर। और जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, 20 से ये 20 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ वायर विल बी 84 meter, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। एंड द क्वेश्चन 26 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट सिलेंडर की दे रखी है 14 centimeter एंड इट्स डायमीटर 10 centimeter, तो रेडियस कितनी हो गई, 5 centimeter। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सिंपल है, वैल्यू पुट करते हैं बस, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, द हाइट 14 centimeter, ओके, रेडियस 5 आई है, तो 5 × 5, एच है 14, 7 बन जा 7 2 जा, ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, और 5 का मल्टीपल कर दें, 5 2 जा 10 5 2 जा 10, और 1 0, इतना आ गया 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इज 27, एंड द क्वेश्चन 27 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर। इसमें सिलेंडर की हाइट दे रखी हमें 80 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर यानी कि 2R, ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 2 का डिवाइड कर दें, 7/2 centimeter। द होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, होल सरफेस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो TS निकालना हमें, होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये किसके इक्वल होता है, 2πRH+R, या आर प्लस एच कुछ भी लिखो वही की बात है। तो 2 × π, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, और आर की वैल्यू है 7/2 इंटू इन ब्रैकेट एच, हाइट कितनी है 80, प्लस आर, और आर की वैल्यू 7/2, देखो 7 से ये 7, 2 से ये 2R, तो ब्रैकेट के बाहर तो 22 ही बचा, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने 2, इसका अंदर ही तो है, 2 का मल्टीपल 80 में करेंगे तो 160+7, 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो 11 × 167, जब इसका मल्टीपल करेंगे 167 167, तो ये आ गया 77 6 7 8, सही है 1837, जो कि ऑप्शन ए में गिवन, और क्या ये कितना आ गया 1837 एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसमें हमें हाइट दे रखी सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, और हमें दे रखा है CSA, कर्व सरफेस एरिया 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच तो मालूम है, तो अब पहले CSA का फॉर्मूला को, तो CSA का फॉर्मूला 2 पाई की वैल्यू ये इंटू आर इंटू एच, एच हमें गिवन है, ये हमने लगा दी CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 264।
सेवन से कैंसिल हुआ, सेवन बन जा सेवन टू जा, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 264 तो ये है अपॉन में क्या आएगा 2 × 22 × 2, तो 2 × 22 × 2, मैं 22 से डायरेक्ट काटता हूँ, 22 × 22 कितना बचा 4 बचा, 4 × 4 = 44, तो 22 × 2 = 44, 2 से कैंसिल करा, 2 6 जा फिर 2 बन जा 2 3 जा, इससे क्या हुआ रेडियस फाइंड हो गई। अब हमारे पास सिलेंडर की रेडियस भी मालूम है, हाइट भी मालूम है, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फाइंड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 3 × 3 इंटू एच, और हाइट दे रखी है 14, तो 7 बन जा 7 टू जा कितना हो गया 44 × 9, 22 × 2 = 44, 3 × 9 9 का मल्टीपल करें 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 और 3 = 39, वॉल्यूम क्यूबिक में होता है तो वॉल्यूम हो गया 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो 28 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 29 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 29, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया CSA हमें गिवन है 220, ऊपर वाले की तरह ही है 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, ये तो सेम ऊपर ही जैसे ही हो गया, उसमें CSA था TSA था CSA, CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दे रखा है 7 इंटू हाइट h 220, 7 से 7 कैंसिल तो इससे हाइट निकलेगी 220 × 2 × 22 भी आएगा 22 बन जा और ये 10 टाइम्स 2 बन जा 25 जा, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है हमें ये रही 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस है 7, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 7 × 7 × h 5, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया 225 होता है 110 का होता है 11 और 0, 11 7 = 77 और 0, इतना आंसर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 770 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में ही कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द क्वेश्चन 30 इज द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इज 2:3 एंड द रेशो ऑफ देयर हाइट 5:3, रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, किसी स्टूडेंट मुझसे पूछा भी था, मैं उसको बता चुका पहले कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, अगर एक से अधिक रेडियस हैं तो हम इसको बोलते हैं रेडियाई। अब यहाँ दो सिलेंडर हैं, पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लिया पहले सिलेंडर की रेडियस आर वन और दूसरे सिलेंडर की रेडियस आर टू है, पहले सिलेंडर की हाइट एच वन और दूसरे की हाइट एच टू है, तो हमें क्या गिवन है आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू गिवन है 2:3 यानी कि 2/3। ओके इनका रेडियस का रेशो, इनका हाइट का भी रेशो दे रखा है, यानी कि हमें एच वन अपॉन एच टू भी गिवन है और वो दे रखा है 5:3 यानी कि 5/3 ये भी गिवन है, फाइंड क्या करना है द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स हमने मान लिया पहले सिलेंडर का वी वन और दूसरे का वी टू है, इसका रेशो फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होता है पाई, हमने पहले की रेडियस आर वन मानी तो आर वन स्क्वायर और हाइट एच वन मानी तो उसका एच वन, तो ये क्या हो गया फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन सेकंड सिलेंडर का पाई, सेकंड सिलेंडर की रेडियस आर टू तो आर टू स्क्वायर और हाइट हमने एच टू मानी तो एच टू, यहाँ तक क्लियर, पाई से पाई कैंसिल तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर इन टू इसे लिख सकते हैं एच वन अपॉन एच टू, एच वन अपॉन एच टू है, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू दे रखी है 2/3, तो इसकी जगह हम 2/3 का होल स्क्वायर, सेकेंड से एच वन अपॉन एच टू की वैल्यू दे रखी है 5/3, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
फाइव इंटू थ्री, फाइव फोर जा 20, 9 3 जा 27। आंसर हो गया V1 इज टू V2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 20 इज टू 27, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक्सरसाइज और बल्कि चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका टेस्ट पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, किसी स्टूडेंट्स को जरूरत थी कुछ बच्चों को तो मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी वीडियो में कमेंट बॉक्स कर दें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।